हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट आईटी अपडेट्स पर। तो साथियों, जिसका मुझे डर था वही हुआ। आईटीए की सबसे बड़ी अपडेट आपको मेरे इस चैनल पर देने जा रहा हूँ कि आईटीए के जो एग्जामिनेशन होने थे उसको कोरोना की वजह से कैंसिल कर दिया गया है। तो काफी बड़ी अपडेट है साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अभी जो है देर रात परीक्षा कैंसिल का जो है नोटिस भी जारी कर दिया गया है। तो सभी छात्रों से निवेदन करूंगा कि सूचना को लाइक तो कीजिएगा ही, शेयर जरूर कीजिएगा अपने साथियों में, ताकि जिन जिन बच्चों के एग्जाम है उन तक ये सूचना पहुंच जाए कि उनके एग्जाम अब जो है पोस्टपोन कर दिए गए। तो इसके रिगार्डिंग लेटर भी जारी हुआ है जो इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा साथियों, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आईटीआई की सभी तरह की अपडेट, सबसे लेटेस्ट जानकारी आपको मेरे चैनल के द्वारा मिलती रहे। और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जब भी कोई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो साथियों, अभी कल देर रात शाम को जो है एक लेटर जारी किया गया है गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, देख सकते हैं 6/1/2022 का ही ये लेटर है, जिसमें जो है एग्जाम पोस्टपोन कर दिए गए हैं। एससीबीटी एनुअल सेमेस्टर एग्जामिनेशन शेड्यूल विद इफेक्टिव फ्रॉम 10 to 15 January 2022। तो दिल्ली राज्य के अंदर साथियों कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस को चलते जो है एससीबीटी के जो फाइनल एग्जाम होने थे 10 जो है जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक, उनको जो है आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है। तो देख सकते हैं डीडीएमए का जो ऑर्डर था उसके हवाला देते हुए पर COVID-19 का, और ड्यू टू सडन सर्ज ऑफ COVID-19 केसेस इन दिल्ली, एससीबीटी जो है एनुअल एग्जामिनेशन जो 10 से 15 जनवरी तक थे उनको पोस्टपोन कर दिया गया है। और ये सूचना सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट आईटीएस को सर्कुलेट करने के लिए बोला गया कि सभी स्टूडेंट्स तक ये सूचना पहुंचा दी जाए, ताकि जिन बच्चों के एग्जामिनेशन थे उन तक ये सूचना पहुंच जाए कि उनके एग्जामिनेशन जो है रद्द कर दिए गए हैं आगामी आदेशों तक। तो जब भी आगे का कुछ नहीं पता कि कितने पोस्टपोन हुए, क्योंकि केसेस जो है लगभग डेली इंक्रीज हो रहे हैं। तो ऐसा साथियों जो सीबीटी के एग्जामिनेशन है उन पर भी खतरा मंडराया हुआ है, लेकिन जिन राज्यों में अभी तक केसेस बहुत कम है तो वहां पर तो एज इट इज ही आपके अभी सीबीटी चलेंगे एग्जामिनेशन। फिलहाल जो है दिल्ली राज्य के अंदर जो है सीबीटी का तो जो है प्रपोजल जो था वो कैंसिल कर दिया गया है। आगे जब भी कभी नया शेड्यूल आएगा, फ्रेश शेड्यूल, तो वीडियो के माध्यम से जरूर बताएंगे, लेकिन फिलहाल यही खबर है कि दिल्ली राज्य के अंदर जो एससीबीटी के तो रद्द कर दिए गए हैं। अभी एनसीबीटी के ऊपर अपडेट आना बाकी है, लेकिन जिस तरह से केसेस डेली रेगुलर जो चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि सीबीटी के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, रद्द भी हो सकते हैं, खासकर उन राज्यों में जहां पर केसेस जो है कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहे हैं। बाकी जो दूसरे राज्य है यहाँ पर नहीं, तो उनके अभी एजीटी शेड्यूल बरकरार है, उसी के अकॉर्डिंग होंगे। अगर कोई भी एनसीबीटी एग्जाम के ऊपर सूचना हमें प्राप्त होगी तो हम जरूर आपके बीच में शेयर करेंगे। फिलहाल आज का वीडियो दिल्ली राज्य के सभी एससीबीटी स्टूडेंट्स के लिए, जिनका एग्जामिनेशन 10 जनवरी से होना था तो उनको कोरोना के बढ़ते केसेस के चलते जो है रद्द कर दिए गए हैं। आगामी जो भी सूचना आएगी तो वो हम फर्दर आपको अपडेट दे देंगे। तो यही साथियों लेटेस्ट अपडेट थी, दी गई सूचना। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा सूचना को, ताकि सभी स्टूडेंट्स तक ये सूचना पहुंच जाए। खासकर दिल्ली वाले बच्चों को तो मैं जरूर कहूंगा शेयर करें, और एनसीबीटी पर कोई भी अपडेट आएगी तो मैं जरूर अवगत करवा दूंगा इस तरह की। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और लेटेस्ट जानकारी के साथ। जय हिंद साथियों।